सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मोहतात रहेंगे पाशा, इसलिए उनसे सिर्फ एक ही मुलाकात करेंगे, बेहतरीन पेशकश करेंगे, कोई सौदेबाजी नहीं होगी, वक्त जाया नहीं किया जाएगा। हम अब तक नहीं जानते कि तहसीन पाशा को बीमारी क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि ये मुतादी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर तहसीन पाशा को मजीद यहाँ रखा तो इन्हें अजियत होगी। खलील खालिद, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। वो हमेशा अपना पैगाम मैं बेनाम हूँ से शुरू करता है। पाशा, आपका क्या हुक्म है, मैं क्या लिखूं? कुछ भी नहीं, मैंने ये फोनोग्राफ से निकाला है। मैंने खलील खालिद और महल के दरमियान रابطے को देखने के लिए एक पैगाम भेजा है। अब हम उसके साथ एक खेल खेलेंगे, देखना। आपके नाम के साथ हम अपने मजमूम दुश्मनों को एक टेलीग्राम भेजेंगे, वो उनको उस ताजिर का नाम और उसकी कयामगाह के बारे में बताएंगे। इनकी मदद करें, आहिस्ता से। लेकिन अगर फौजी मरते हैं तो अब्दुल हमीद एलाने जंग कर देगा। अच्छा, शहजादे से बात किए बगैर इसे कबूल नहीं करूंगा। मैं अभी शहजादे से बात करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कमांडर बग्गी में है, उनसे पूछना होगा। तो जाकर पूछो कमांडर से, पूछो किसे गिरफ्तार करना है। जाओ। शहजादे मेहमत को महल लाया गया है, वो घोड़े से गिर गए थे। कमर पर चोट की वजह से इनकी टांगे मुतासिर हुई हैं सुल्ताना, इनकी टांगे मफलूज हो गई हैं। पुप्पी जान, ये लोग यहां भी आ गए, ये मुझे हर जगह तलाश कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा मैंने जुर्म क्या किया है। या अल्लाह रहम फरमा, कसम खाकर कहता हूं मैं सड़क पर सर्दी और भूख से मर जाऊंगा। मुझे हमाम जाना चाहिए, वहां मैं ठंड के बगैर सुबह की रोशनी का इंतजार कर सकता हूं और तब तक मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। तो आप सेहतियाब हो गए? मैंने ये सब मंसूबे और इन खेलों को तुम जैसे बच्चे के खराब करने के लिए नहीं बनाया था। सबातीन, अब तुम मुझे कोई ऐसी चीज बताओ कि जिससे ये छुरी मैं तुम्हारे हलक में ना उतारूं सबातीन, वरना मैं तुम्हें अपने दर्द से ज्यादा मजा चखाऊंगा सबातीन। पुरसुकून हो जाए जालमान,
पुरसुकून हो जाएं। आपकी गैर मौजूदगी में एक अच्छे सिपाही की तरह जंग जारी रखी है मैंने। ये बताओ क्या किया तुमने? सब कुछ बताओ मुझे कि ये कौन सा खेल है? तुमने खुफिया पैगाम भेजे, तुमने उन्हें बताया कि तुम गुरोह का सरबरा उनके हवाले करोगे। एक आदमी मारा गया, एस्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। रुको, हर चीज बताऊंगा मैं, सब कुछ बताऊंगा मैं। शुरू से ही जुल्फ़ इस्माइल पाशा आपको बेवकूफ बना रहे थे। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? जुल्फ़ इस्माइल पाशा अब्दुल हमीद की जानिब से भेजा गया एक जासूस है। वो आपकी हर हरकत हर इकदाम के बारे में अब्दुल हमीद को बताता है। अब्दुल हमीद जानता था कि यहाँ कोई दुश्मन आ रहा है और वो दुश्मन किसी प्यादे का इस्तेमाल करेगा, और वो प्यादा उसके दोस्त उसके पाशा हजरात में से ही कोई होगा, और इसीलिए उसने खुद ही प्यादा खेल में उतार दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने विलादत की तकरीब में ये खेल खेलने का मंसूबा बनाया। अगर आपने आज तक अपनी शनाख्त को ना छुपाया होता जालमान, तो अब्दुल हमीद आपका अब तक सर कलम कर चुका होता। यानी हमारे भेजे गए खुफिया पैगाम अब्दुल हमीद तक पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, यही कहना चाह रहा हूं मैं। अगर तुम ये सब जानते थे तो अब तक तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि आप मुझे संजीदा नहीं लेते। व्लादिमीर, कातिलों को इत्तला दो अभी कि ज़ुल्फ़ इस्माइल पाशा के घर घुसकर कत्ल कर दे उसे। 20, 30, 40 जितने आदमी जरूरी समझते हैं उतने आदमी ले जाएं। समझे? रुक जाओ। हम ज़ुल्फ़ इस्माइल पाशा को अपनी तरफ कर सकते हैं और फिर फतह हमारी होगी। कैसे? अगर आपने उस दाया खातून पर हमला ना किया होता तो हम ये बहुत पहले ही कर चुके होते। बरसों पहले ज़ुल्फ़ इस्माइल पाशा के यहाँ बेटे की विलादत हुई थी, उसे मार दिया गया था। अब्दुल हमीद के हुक्म पर? हुक्म महल से आया था, जो अब्दुल हमीद से गद्दारी करने वाले महमूद जलालुद्दीन पाशा ने भेजा था। जमीला सुल्तान के शौहर थे वो, और वो उस वक्त सल्तनत की हिफाजत को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझते थे। और तुम ये सब कैसे जानते हो? मेरे बाबा, वो उस वक्त वजीर इंसाफ थे और तमाम कीमती दस्तावेजात उनके पास आती थी। सियासत को समझने के लिए मैं उनका मुताला करता था। मैं उस वक्त नहीं जानता था कि ज़ुल्फ़ अब्दुल हमीद का भाई है, तो मैंने अपने बाबा से पूछा, क्या अब्दुल हमीद किसी मासूम बच्चे के कत्ल का हुक्म दे सकता है? उन्होंने बताया कि ये हुक्म महमूद जलालुद्दीन पाशा ने दिया था। उन्होंने उस दाया खातून को बुलाया और बजाते खुद ये हुक्म उसे दिया। और तुम ज़ुल्फ़ इस्माइल पाशा को उस खातून के पास ले गए? और आपने उस खातून को मार दिया सलमान साहब। अगर हम ये बात उस दिन ज़ुल्फ़ इस्माइल पाशा को साबित कर देते तो ज़ुल्फ़ इस्माइल पाशा कयामत तक अब्दुल हमीद का दुश्मन बन जाता। वो दस्तावेजात कहाँ हैं? बाबा की खुफिया तिजोरी में। और वो कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम। मैंने वो हासिल करने के लिए मंसूबा बनाया है। मेरे बाबा गैर मुल्कियों का कत्ल करने वाले ग्रोह के सरबराह है, मैंने साबित किया। अब्दुल हमीद ने खुद देखा, लेकिन उसने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। जानते हैं फिर मैंने क्या किया? मैंने अपने आदमियों को सिपाहियों की वर्दी पहनाकर अपने बाबा का रास्ता रोका, और अब बाबा खुद को मुजरिम समझकर छुपते फिर रहे हैं। अब तुम देखना, बहुत जल्द महमूद पाशा अपने साख को बहाल रखने के लिए हमें वो मौत का फरमान देंगे। वो हमें और भी बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ। हम उनसे ज्यादा से ज्यादा दस्तावेजात का मुतालबा करेंगे, और उनमें ज़ुल्फ़ इस्माइल पाशा के बेटे के कत्ल का फरमान भी होगा, जिसे देखने के बाद वो हमारे साथ मिल जाएगा। ये हमाम काफी गर्म है। आपकी रात अच्छी गुजरे साहिबान। क्या मतलब रात अच्छी गुजरे? अभी कुछ ही देर बाद तुम भी सर्दी से कपकपाने लगोगे, देखता हूं तुम कैसे सोगे। देख लेना। अयाज पाशा 2 घंटे में यहां आने वाले थे। हमने अयाज पाशा को बुलाया था, लेकिन कोई और पाशा आया है। हाँ ये सच है, मैं पाशा हूं। पाशा हूं मैं। तो तुम पाशा हो। यह हर भी पाशा है।
अरबी पाशा? अरबी पाशा नहीं बेटा, महमूद पाशा हूं मैं। देखो मुझे यहाँ सुल्तान मौजम ने भेजा है। सुल्तान मौजम ने तुम्हें भेजा है? हाँ। मुझे थोड़ी जगह दो, हटो। सुल्तान मौजम ने कहा था कि हट जाओ यहां से। हम सुल्तान मौजम के साय से भी डरते हैं पाशा, हम आपके हुक्म के ताबे हैं। बताएं आप क्या चाहते हैं? सुल्तान मौजम ने फरमाया कि जाएं और हमारी रियाया को देखें, फरमाया कि अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो आकर हमें बताएं। कोई परेशानी तो नहीं आप लोगों को? बिल्कुल नहीं पाशा। आला, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं है पाशा, हम अपने सुल्तान के लिए दुआ करते हैं। आला, तो अब महल से आने वाले पाशा की बात को गौर से सुने। दोस्तों मुझे फौरी तौर पर खुशगोश ला कर दें। आपके वापस आने तक मैं थोड़ा सा आराम करूंगा, और आपके आने तक अगर मैं सो जाऊं तो मुझे जगा देना, समझ गए? हम समझ गए पाशा। जो हुकुम पाशा। शाबाश मेरे दोस्तों, चलो जाओ अब, जल्दी करो। चलो तुम लोग एक तरफ हो जाओ, हट जाओ, हटो बेटा, जल्दी हटो। चलो जाओ बच्चों, तुम लोग भी सो जाओ। आसानी से बच गए महमूद। मामला फहमी अगर किसी ने सीखनी है तो अकल का नाम है महमूद पाशा। सो जाओ बेटा, सो जाओ। अल्लाह कबूल फरमाए सुल्तान मौसम। आमीन मलिका। बैठिए। हम तहसीन पाशा मेहमत बेटे और तमाम मरीजों की सेहत के लिए दुआ कर रहे थे। मेहमत साहब जल्द सेहतयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। अपनी माजूरी कबूल नहीं कर पा रहे, वो किसी से मिलना भी नहीं चाहते, अपनी हालत का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहे हैं। बीमारी और आफत अल्लाह ताला की जानिब से इंसान पर आने वाले मुश्किल इम्तिहानात होते हैं। सबसे बड़ी मारिफत इन इम्तिहानात में कामयाब होना है। इसके लिए सबसे पहले इंसान को तवक्कुल और सब्र से काम लेना चाहिए और हर हाल में शुक्रगुजार रहना चाहिए। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। मेहमत साहब को जल्द ही इसका एहसास हो जाएगा, आखिरकार इस हादसे को अभी वक्त ही कितना हुआ है। अब उनकी हालत कैसी है? तबीब हजरत अब तक कोई हल तलाश नहीं कर सके। हम शुक्रगुजार हैं कि वो जिंदा बच गए, लेकिन जमीला सुल्तान की हालत भी कुछ ठीक नहीं। बीमारी सिर्फ मरीज के लिए ही नहीं बल्कि उससे प्यार करने वालों का भी इम्तिहान है। बीमार का बदन तकलीफ में होता है
जबकि उसके चाहने वालों का दिल कर्ब में रहता है। जमीला सुल्तान के लिए ये बहुत मुश्किल दिन है। पहले उन्होंने अपने छोटे बेटे को खो दिया, फिर अपने शौहर को, अब वो अपने इकलौते बेटे को खोना नहीं चाहती हैं। मलिका, आप जमीला सुल्तान के करीब रहिए, उन्हें मुश्किल में तना मत छोड़िए। अल्लाह भी आपको आपके दर्द में कभी तना नहीं छोड़ेगा मलिका। आप बेफिक्र रहें सुल्तान मौसम, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मेहमत, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप हमसे क्या तवक्को रखती हैं? आपसे खैर की तवक्को है कि आप ठीक हैं, हमारे पास हैं और जिंदा हैं, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो फिर आप गलत सोच रही हैं। वहाँ वतन खिदमत का मुतालबा कर रहा है और हम यहाँ लेटे हुए हैं। हमें कमजोर समझा जा रहा है गुलजमाल। इस तरह की जिंदगी से तो मरना बेहतर है। इस तरह की बातें मत करें, इल्तिजा करती हूँ। क्या दोस्त ऐसा करते हैं अपनों के साथ? तुम्हें तेज भागना चाहिए था, हमें रोंदना चाहिए था। कर ब्यास, मार देते हमें। ये दिन गुजर जाएंगे, आप देखिएगा। बिल्कुल हम जैसा सोचते थे वैसे ही हम बहुत खुश रहेंगे, वादा करती हूँ आपसे। आपने नाश्ता नहीं किया मेहमत, मैं आपकी मदद करती हूँ। क्या सारी जिंदगी बच्चे की तरह देखभाल करती रहेंगी हमारी? मुझे आपके लिए जो कुछ करना पड़ा मैं करूंगी, हमेशा ख्याल रखूंगी, आपकी अहलिया बनूंगी, मोहब्बत करूंगी आपसे, और आप यकीनन ठीक हो जाएंगे मेहमत, देखिएगा। सिर्फ अल्लाह जानता है ये बात। फिलहाल हम इस बिस्तर के पाबंद हैं, लेकिन आप हमारी पाबंद नहीं हैं गुलजमाल। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मेहमत? जाइए, दोबारा करीब मत आइएगा हमारे। सब कुछ खत्म हो गया है हम दोनों के दरमियान। उठ जाए। क्या आप खुश गोश्त लेकर आ गए? कहाँ है खुश गोश्त? जल्दी उठ जाइए, भट्टी जल रही है, लोग कुछ देर में आ जाएंगे। मेरे भाई, मेरा खुश गोश्त कहाँ है? मैंने मंगवाया था। अल्लाह, मेरा एहसास नहीं है। अल्लाह, मेरा बटवा भी नहीं है। अरे वो दोनों कहाँ गए? आप उनकी बात कर रहे हैं जो यहाँ थे? वो तो कब के जा चुके हैं और ये आपके लिए छोड़ गए। पाशा, हम हमेशा सुल्तान मौजम के वफादार हैं, लेकिन हम आपका बटवा ले जा रहे हैं। उन्होंने मेरा बटवा चुरा लिया है। हम इसे सुल्तान मौजम की तरफ से बतौर तोहफा कबूल करते हैं। पाशा, अगर आप रात को नींद में सुल्तान मौजम मुझे माफ कर दे ना बड़बड़ाते, तो पाशा का एजाज हम कभी ना लेते। उन्होंने मेरा एजाज भी चोरी कर लिया। हम आपसे प्यार करते हैं पाशा, आपके वफादार खैर खा। हमाम जी, मेरी सूरत हाल देखो, लेकिन क्या आप मुझे 5 सिक्के उधार दे सकते हैं? मैं आपको लौटा दूंगा। चले जाए यहां से, चले जाए। भाई चीख क्यों रहे हो? ठीक है, जा रहा हूं। 3 सिक्के दे सकते हैं? जाइए जल्दी। ठीक है। लिखिए इस्माइल हक्की साहब। जो हुक्म सुल्तान मौसम। उस्मानी सुल्तान ने एक नया और बहुत बड़ा इकदाम किया है। उस्मानी सुल्तान ने
एक नया और बहुत बड़ा इकदाम किया है। लिखो, हम मुतजस्सिस हैं कि वो इकदाम क्या है। वो पायो तख्त में असलहे के एक नए ताजिर को लेकर आएंगे, लेकिन उसकी शनाख्त को पोशीदा रखा जाएगा। वो मकामी सतह पर असलहे की पैदावार भी शुरू करेंगे और बड़ी मकदार में असलहा खरीदेंगे भी। इस सिलसिले में कौन आ रहा है मैं जानता हूँ, आपको उसका मकाम बता सकता हूँ। अहमद पाशा, असलहा ताजर की हैसियत से आप उनका इंतजार करेंगे। वहां जो भी आता है उन्हें शिकस्त देने के लिए तदाबीर इख्तियार करेंगे। एहतियात मेरी जिम्मेदारी है, बिल्कुल बेफिक्र रहे। लिखिए इस्माइल हकी साहब, वो तो कातलियान होटल के कमरा नंबर 29 में होगा। मैं आपको उसकी आमद का वक्त बताऊंगा। जो भी वहां आएगा इस मामले की गिरह खोल देगा। यानी अब्दुल हमीद हमारे लिए जाल बिछा रहा है। लग तो ऐसा ही रहे, हम वहां जाएंगे तो वो हमें गिरफ्तार कर लेगा। अब हम क्या करेंगे? ऐसा लगता है कि आज तक अब्दुल हमीद हमसे एक कदम आगे रहा है व्लादिमीर, लेकिन अब हम उससे आगे होंगे। हमें फौरी तौर पर वो दस्तावेजात महमूद पाशा से हासिल करनी होंगी। जुल्फुल इस्माइल पाशा को मुकम्मल अतात करने पर मजबूर करना होगा। यूं इस तरह हम पर्दा गिरने से पहले ही एक आखिरी तमाशा करेंगे, शानी अब्दुल हमीद के जाल को तोड़ेंगे। ग्रुन, मेरे साथ चलिए, बाबा को अब इस खेल में शामिल करने का वक्त आ गया है। महमद के लिए यह आसान सूरत हाल नहीं है, उनके जख्म अभी ताजा है। हमें पूरा यकीन है कि वो अपना फैसला जरूर बदल लेंगे, वो आपको अपने पास चाहेंगे। मुझे नहीं मालूम उन्होंने इतनी सख्ती से बात की है कि मेरी बात भी नहीं सुनी। उन्हें थोड़ा वक्त दें आप। मादाम बिलावास्के, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैंने महमद साहब के साथ होने वाले हादसे का सुना तो जमीला सुल्तान को अपनी नेक तमन्नाएं देने हाजिर हुई हूँ, लेकिन यहाँ हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनकी टांगें मफलूज हो गई हैं। बहुत अफसोस हुआ, बहुत। तो आप इसलिए रो रही हैं? महमद और गुलजमाल शादी करने वाले थे जल्द ही। महमद साहब को अब पहले से कहीं ज्यादा आपकी जरूरत होगी। दरअसल महमद शादी नहीं करना चाहते अब मुझसे। हम उन्हें इल्जाम नहीं दे सकते, कौन जाने वो अपना इरादा बदल दें। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जरा जाकर जमीला सुल्तान से मिल लूं, आपके हक में खैर होगी। अगर आप इजाजत दें शहजादी, मैं मदाम को जरा रास्ता दिखा दूं। जी, यही बेहतर होगा। आइए। हमारा मंसूबा नाकाम हो गया, मैं महमद को शादी के लिए राजी नहीं कर सकी। तुम जानती हो मैंने सिर्फ महमद के मुताबिक अपना मंसूबा नहीं बनाया था, अब हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा मौका है। अब आप क्या करेंगी? मैं वो हवेली खरीदने जा रही हूँ। आपको कैसे मालूम था कि वो यहाँ होंगे? तजुर्बा है, बाबा ऐसे हालात में एहतियाती तदाबीर करते हैं।
वो अकबी दरवाजे से दाखिल होंगे और बैंक से अपनी रकम निकलवाएंगे। आप उनके पीछे जाइए और उन्हें ये दीजिए, वो आपका चेहरा ना देख पाए। रुको, पीछे मत मुड़ना वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम कौन हो? तुम्हारा निजात दहिंदा। मैं एक कागज फेंक रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता पांच तक गिनो और फिर कागज उठा लेना। इसमें सब कुछ लिखा है, हम तुम्हारी जिंदगी बचाएंगे पाशा। कुछ गलत मत करना वरना जान से हाथ धो बैठोगे। देखो बेटा, मुझे धमकियां मत दो, डरता नहीं हूं मैं। चलो फेंको, गिनो। एक, दो, तीन, चार, पांच। देखो अगर तुम अब तक दूर नहीं गए होगे तो यकीनन मुझे गोली मार दोगे। मैं पांच मजीद गिनूंगा, 6, 7, 8, 9, 10। अब तो काफी है ना? महमूद पाशा, हम उस मुश्किल को हल कर सकते हैं जो आपको दरपेश है। अब्दुल हमीद के पास आपके बर्फखाने से बर्फ मंगवाने और सेलानिक में घर से खुफिया पैगामात भेजने के सबूत मौजूद हैं। हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो उन शवाहिद को गलत साबित कर देंगे। अगर आप इन इल्जामात से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास पुरानी दस्तावेजात लाएं। पुरानी दस्तावेजात? आप वो दस्तावेजात दें जो आपने बरसों से अपने पास महफूज रखी हैं। इन दस्तावेजात को लाने का वक्त और पता नीचे दर्ज है। बदले में आपको वो दस्तावेजात देंगे जो आपको बचाएंगी। पुरानी दस्तावेजात, वो जो महफूज कर रखी हैं। आप आराम क्यों नहीं कर रहे गुस्ताफ साहब? अगरचे मुझे तकलीफ है लेकिन मैं बेहतर हूं सुल्तान मौसम। कारखाने का काम मुकम्मल था, मैंने बीमारी के दौरान इस पे काम किया है। अगर हम नई मशीनें खरीद लेते हैं तो कारखाने की बहाली में कोई रुकावट नहीं होगी। हम ये मसला जल्दी हल कर लेंगे गुस्ताफ साहब, परेशान ना हो। यकीन है सुल्तान मौसम, शुक्रिया। मेरी एक दरखास्त है सुल्तान मौसम। बताइए। सलीम पाशा, वो जिसने मुझे गोली मारी थी, मैं मिलना चाहता हूं उससे। किस लिए? आपको बताया था हमने ये हादसा था। मैं मुआवजे की नीयत नहीं रखता सुल्तानी मौसम, मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैंने उसे माफ कर दिया है। शायद इस तरह उन्हें बेहतर महसूस हो। मुझे उससे कोई अदावत नहीं है। आपने मुझे यकीन दिलाया था कि ये एक हादसा था, ये महज एक गलत फहमी थी। उनकी माफी के लिए मेरे नजदीक महज आपके अल्फाज ही काफी है। ठीक है, तहसीन पाशा आपको उसके पास ले जाएंगे। जो हुक्म सुल्तान मौसम, चलिए। मैं मुख्तसर बात करूंगा प्यारे भाई, अगर तुम्हें यह जगह घर जैसी महसूस नहीं होती है तो तुम जा सकते हो, या फिर इसकी भारी कीमत अदा करना होगी। तुम मारे जाओगे, नायब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं गद्दार नहीं हूं भाई, नायब ये सब अपनी गद्दारी पर पर्दा डालने के लिए कर रहा है। ऐसा मत करो भाई, वो शहजादे का करीब तरीन आदमी है, ये नामुमकिन है। देखो भाई, अगर तुमने गलती की, आप नायब को मुझसे बेहतर जानते हैं, आप नहीं देखते। शहजादे जितना मेरा साथ देते हैं उतना ही नायब मुझ पर हमला करता है। मैं उसे अपनी गद्दारी का इल्जाम खुद पर लगाने नहीं दूंगा। ठीक है, बहर हाल तुम्हें मोहतात रहना चाहिए, तुम मारे जा सकते हो। आप बेफिक्र रहिए, मैं हर इल्जाम का सामना कर सकता हूं।
तुम कर सकते हो, लेकिन मुझे और खुद को तकलीफ मत दो मेरे प्यारे भाई। फिक्र ना करें। कहां जा रहे हैं? मैंने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। हम उस्मानियों के सेरे निगरानी रेलवे की जगह को जब्त कर लेंगे। शहजादे को बताए बगैर इसे शुरू मत करें, ये इख्तियार जंग मुसलत कर देगा। नायब ने पहले ही शहजादे को राजी कर लिया है। मैं भी आ रहा हूं, शहजादे से बात करना चाहता हूं। तहसीन पाशा, जब मैं ये कहूंगा कि मैंने उसे माफ कर दिया है तो वो कमजोर पड़ जाएगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं उससे अकेले मिलना चाहता हूं। आप इंतहाई रहम दिल हैं गुस्ताफ साहब। आप न सिर्फ उस शख्स को माफ कर रहे हैं बल्कि आपको अब भी उसकी इज्जत नफ्स की परवाह है। लेकिन बादशाह, मेहरबानी होगी। ठीक है, जाइए। शुक्रिया बादशाह। जनाब आप, तुम ठीक हो ना? ठीक हूं मालिक, आपके अहकाम का मुंतजर हूं। क्या सलीम पाशा याद है तुम्हें? मुझे याद है। कुछ वक्त के लिए सलीम पाशा बन जाओ। जब तक मैं तुम्हें हुक्म ना दूं, तुम अब्दुल हमीद की तरफ रहोगे। तुम्हें हर हाल में उसका एतमाद जीतना है। इस तरह तुम इंतहाई आम राज हासिल करने में कामयाब रहोगे। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपका साथ दूं। अगर तुम मेरे अहकाम की तामील करते हो तो मैं और ले आऊंगा, समझ गए तुम? जो आपका हुक्म मालिक। तुम ठीक हो गए हो, तबीबों से कहो तुम सेहतियाब हो गए और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। नक्टल, मुझे एतमाद है तुम पे। वक्त आने पर तुम एक बार फिर मेरे साथ होगे। मुझे उस वक्त का इंतजार रहेगा। मैं बस ठीक हो जाऊं मालिक। या अल्लाह, हम पे ये कैसी आजमाइश आ गई है। हमारा पहाड़ जैसा बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ है। ऐसा मत कहें, खुदारा बहादुर बने। अभी तक ये कोई यकीनी बात नहीं है जमीला सुल्तान। इंशाल्लाह महमद बेटे ठीक हो जाएंगे। बीदार सुल्तान सही कह रही हैं। इतनी जल्दी उम्मीद मत छोड़िए। मैं खुद इस तरह के कई लोगों के मुकम्मल सेहतियाब होने की ऐनी शाहिद हूँ। इसका मतलब हमारे महमद भी ठीक हो सकते हैं। मैं पेरिस में एक बहुत माहिर तबीब को जानती हूँ। उन्हें इस तरह के मामलात का बहुत तजुर्बा है। अगर आप चाहें तो शहजादा महमद को फौरी तौर पर उनके पास भेज सकते हैं। वो इससे कबल महमद जैसे 10 मरीजों का कामयाब इलाज कर चुके हैं। हमारे ख्याल में शहजादे महमद को पेरिस नहीं भिजवाना चाहिए। हमारे पास काबिल तबीब मौजूद हैं और वो उनके इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से शहजादा महमद बहुत जल्द अपने पैरों पर उठ खड़े होंगे। आप बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। महमद, मैं आपको एक तवील अरसे से जानती हूँ।
आप बचपन से ही बहुत बहादुर थे और अभी भी वैसे ही हैं। खुद को कमजोर मत पड़ने दें। देखें, हम सब आपके साथ हैं। तबीब कोशिश कर रहे हैं, यकीनन आप ठीक हो जाएंगे। आप कब रवाना हो रही हैं पेरिस के लिए? मैं चंद हफ्तों में रवाना हो जाऊंगी, शायद मैं ना जाऊं। क्यों? हमारे बारे में मत सोचें, जितनी जल्दी हो सके जाएं, अपनी तालीम जारी रखें, हमें खत लिखती रहिएगा, बाखबर रखिएगा अपने हालात से, ठीक है? शहजादे, हमें इजाजत दें। कैसे हैं आप? कुछ बेहतरी आई? आपको कैसे लग रहे हैं? जब आप यहां आए थे, हमने आपके साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप जान लें कि इसकी वजह आप नहीं थे। वजह जो भी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब इस बारे में बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तबीब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है आप फिर से अपने फराइज अदा कर सकेंगे। क्या आप वाकई ये चाहते हैं? पूरे दिल से। शहजादे, अब हम सोना चाहते हैं। जी ठीक है, आप आराम करें। आप सब भी जा सकते हैं, किसी को भी कमरे में आने मत दीजिएगा। तुम जानते हो अपना शिकार बर्बाद करने पे मैं तुम्हें मार सकता हूं खलील खालिद। गलत वक्त पर आने की माजरत चाहता हूं नाइब साहब, आपको एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। कैसी तबाही, बताओ मुझे। शहजादे, वो रेलवे पर कब्जा करके उस्मानी महाफिजों को कत्ल करेंगे। शहजादे, वहां 100 से ज्यादा फौजी है, अगर वो फौजी हलाक होते हैं तो उस्मानी अफवाज सोफिया आ जाएगी। और आप भी इमरो को मजीद पेशरफ नहीं करने देंगे? इमरो के लिए रास्तों पर कब्जा करना जरूरी है। मैं जानता हूँ शहजादे, लेकिन फौजी हलाक होते हैं तो जंग शुरू हो जाएगी, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आपकी अमलदारी के इलाके में इतने फौजी मारे जाते हैं तो अब्दुल हमीद माफ नहीं करेगा। दुरुस्त कहा आपने, ये नाइब क्या कर रहा है? ये आजकल काफी ज्यादा बदल गया है। वो मुसलसल खुद भी गलत फैसले कर रहा है और मुझसे भी गलत फैसले करवा रहा है। कभी कभी वो अपने बुख्स की वजह से कुछ भी नहीं देखता। शहजादे, आपको फैसला जल्द करना होगा, क्योंकि
हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आप मुझसे क्या चाहते हैं आखिर, बताएं। नाइब से तमाम इख्तियारात वापस ले लें। जब उन्होंने देखा कि मैं नहीं आ रहा हूं तो उन्होंने फौजियों को हटा लिया। आह महमूद, ऐसा तो पकी हुई मुर्गी के साथ भी नहीं होता जैसा कि मेरे साथ हुआ है। सकीना, अल्लाह तुम्हारे हाथ सलामत रखे, बहुत लजीज है ये। लुत्फ अंदोज हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने तुम्हें कितना याद किया, कसम से मैंने इतने दिन खुश गोश्त के बगैर गुजारे हैं। क्या खजाना, क्या दस्तावेजात, मैं उनकी परवाह क्यों करूं, मेरा असल खजाना तो तुम हो, कसम खाता हूं। मेरी मोहब्बत, मेरे यहां आने का सबब महफूज शुदा दस्तावेजात। सकीना, अंदर से आने वाली आवाजें सुनी तुमने? सुनी है, मुझे लगता है चोर है। सिपाहियों को बुला लेना चाहिए हमें, सिपाहियों के आने तक वो लूट लेगा, मैं उसे संभाल लूंगी। रुको, कहाँ जा रही हो सकीना? तुम्हें मदद की जरूरत भी पड़ सकती है। इसे तुम रखो। महफूज शुदा दस्तावेजात, वो इन दस्तावेजात का क्या करेंगे? इसकी आखिरी दस्तावेज भी 20 साल पुरानी है। सकीना, मैं तुम्हारे पीछे ऊंटे के, डरना मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महमूद बाबा के घर में घुसने की? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। अल्लाह अल्लाह, तुम लोग मुझे मार क्यों रही हो? महमूद बाबा, महमूद पाशा। हाँ, महमूद पाशा। तो आप चोरी कर रहे थे? हाँ, मैं कर रहा था। मैं अपने ही घर में चोरी करने के लिए आया था। किस चोर की बात कर रही हो? अकल से पैदल हो क्या? महमूद बाबा, आप अपने घर में छुपकर क्यों आए हैं आखिर? मुझे छुपने की क्या जरूरत है? तुम हर मामले में दखल मत दो। अब देखो, मेरी बात गौर से सुनो। अगर कोई तुमसे ये पूछे कि महमूद पाशा घर पर आए थे कि नहीं, तो कहना कि हमें कोई इल्म नहीं, हमें कुछ नहीं पता। समझ गए? ठीक है, ये खुश गोश्त मैं रास्ते में खाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। अब हटो हटो, हट जाओ रास्ते से। रुक जाइए जरा। वो तबीब जिनका आप अंदर जिक्र कर रही थी, वो हमारे बेटे मेहमत को ठीक कर सकते हैं? अगर कोई आपके बेटे को शिफा दे सकता है तो वो तबीब है। हम अपने बेटे मेहमत को जरूर पेरिस भेजेंगे, लेकिन उसकी उजरत बहुत ज्यादा है, क्या आप इससे राजी हो सकेंगी? दरअसल हमारे पास अभी इतनी रकम मौजूद नहीं है, एक मामले में हमें अपने जेवरात भी फरोख्त करने पड़े। क्या आप सुल्ताने मुअज्जम से नहीं ले सकती? हम ले सकते हैं, लेकिन हम उन्हें इसकी वजाहत नहीं दे सकेंगे। सुल्ताने मुअज्जम हमसे कई सवालात करेंगे, जायदाद फरोख्त करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं।
तो फिर आप आसानी से अपने बेटे का इलाज उस तबीब से करवा सकती हैं। लेकिन अगर ये बात सुल्तान मौज़म तक पहुंच गई, अगर आप इसे किसी काबिल भरोसा शख्स को फरोख्त करती हैं तो सुल्तान मौज़म को खबर नहीं होगी। मैं आपकी मदद करने के लिए अपनी तंजीम की तरफ से आपकी जंबर लताश हवेली बखुशी खरीद लूंगी। क्या ख्याल है आपका? वो हवेली हमारे खानदान के लिए बहुत आम है। लेकिन यकीनन आपके बेटे की सेहत और सलामती इससे कहीं ज्यादा कीमती है। क्या आप मुत्तफिक हैं? हम अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने वो हवेली बाहर से देखी है, मैं जल्द उसे अंदर से भी देखना चाहती हूँ। जी क्यों नहीं, शुक्रिया। होटल में इंतजाम मुकम्मल है, मैं भेज बदल कर पहले ही मस्कुरा कमरे में पहुंच जाऊंगा। वक्त की तला मैं दूंगा। नायब साहब, आप बिला ताखिर ये खुद कीजिए। मैं खुद कर लूंगा, ये मेरी आखिरी जिम्मेदारी थी, अब मेरा काम खत्म हो गया। हमारे दरमियान की ये दीवारें ढा दो, कदीम राजों को हमारे कदमों में रख दो। जिस टेलीग्राफ के जरिए हमसे बात की जा रही थी, वो जनाब कारासू के दफ्तर से बरामद हुआ है। इस आदमी को सिंतान में डाल दो। शहजादे, आप गलत फैसला कर रहे हैं।